हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजाम में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में आपको एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी इस क्लास में आ जाएँ। और आप लोगों को कल की क्लास का PDF तो मिल ही गया होगा। कल की क्लास का PDF आप लोगों को सेंड कर दिया गया था, जो साइंस की क्लास चली थी कल और परसों। दो दिन में क्वेश्चन हुए थे। 50 क्वेश्चन की PDF आप लोगों को सेंड कर दी गई होगी। जो उस पेड ग्रुप पे ज्वाइन है उन लोगों को PDF मिल गया होगा। तो आज की इस क्लास में एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, ये जो Super 20 बैच चल रहा है इसमें जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप सभी लोगों को, जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन लोगों को ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल तैयार होने चाहिए। इन क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना आए। ये क्वेश्चंस जो कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, हर एक क्लास देखनी है, टाइम पर क्लास में आना है। आप लोग यहाँ से जाके, आप लोगों को PDF मिल जाता है वहाँ से, फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाके आपको PDF मिलता है, उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे फिर आप लोगों को आंसर शीट भी मिलती है। इसलिए हम आपकी PDF में आंसर टिक करके नहीं देते हैं, जिससे आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकें। अलग से आंसर शीट दे दी जाती है आपको। यहाँ से क्लास देख के जाएंगे, उसके बाद जो PDF मिलता है उसमें से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, फिर कहीं पर आंसर लिखेंगे आप लोग, फिर आंसर से मिलाएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो आप लोग उससे डेली प्रैक्टिस किया करिए। जब आप लोगों को PDF मिल जाता है, पूरे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तब आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है, तब आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कैसे PDF मिलता है, तो वो उन लोगों से सबसे पहले तो ये कहेंगे कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जो इसके लिंक दी हुई व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप में की, और टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो उससे आप लोग उस पर ज्वाइन हो जाइए। और जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग 9720 80 दोबारा लिख देते हैं, 9720 80 2028 9720 80 2028 ये टेलीग्राम नंबर है। इस पे आप मैसेज करेंगे यूपीकेटेड PDF 2022 लिखकर, तो आप लोगों को PDF के बारे में पता चल जाएगा, कैसे आप लोगों को PDF मिलेगा, कैसे आप लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन होंगे, तो सब के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। इस पे क्या क्या दिया जाता है, तो इस पे अभी तो आप लोगों को PDF दी जाती है, और अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। अलग से जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं वो आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए, डेली का डेली आप लोग तैयार करते रहिए। आप लोगों को अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं वो, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के जो नोट्स हैं वो भी आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे उसी पेड ग्रुप में, तो उनको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आप लोगों को उस पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं उस पर पेड ग्रुप पर। तो प्रोसेस के बारे में आप लोगों को पता होगा जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन है। जिनको नहीं पता है वो मैंने अभी नंबर बताया है 9720 80 2028, उस पर यूपीकेटेड PDF 2022 लिखकर मैसेज कर देंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। उस पर आप लोगों को कॉल नहीं करनी है, केवल मैसेज करनी है। टेलीग्राम नंबर है ये, तो केवल मैसेज करेंगे यूपीकेटेड PDF 2022 लिखकर। तो चलिए अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, काकरेज का जन्म स्थान है। काकरेज का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में। काकरेज का जन्म स्थान गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है निम्न में भारवाही गाय की नस्ल है, इनमें से भारवाही गाय की नस्ल कौन सी है। तो भारवाही गाय की नस्ल है इसमें से, ये जो नागौरी है ये आपकी भारवाही गाय की नस्ल है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भैंस की संकर नस्ल है, तो भैंस की संकर नस्ल है यहाँ पे मेहसाना, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मेहसाना है जो भैंस की संकर नस्ल है। ये किस किस के क्रॉस से बनी है, तो मुर्रा क्रॉस सूरती। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। भैंस की संकर नस्ल कौन सी है, तो भैंस की संकर नस्ल मेहसाना है, ये मुर्रा और सूरती के क्रॉस से बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोग क्वेश्चन के आंसर करते रहिए। और ये है आपका कराची किस जाति का मूल स्थान है, तो कराची किस जाति का मूल स्थान है, तो कराची जो है वो आपका सिंधी जो गाय है उसका मूल स्थान है। सिंधी गाय का मूल स्थान कहाँ पे है, कराची में। सिंधी आपकी कैसी नस्ल है, तो सिंधी आपकी दुधारू नस्ल है। सिंधी जो है वो आपकी दुधारू नस्ल है। तीन नस्लें होती हैं गाय की, गाय को तीन नस्लों में बांटा गया है, साई वो दुधारू नस्ल, द्विकाजी नस्ल और भारवाई नस्ल। और ये आपका जो साहिवाल है ये अभी ये भी आपकी दुधारू नस्ल है। इसका जो जन्म स्थान कहाँ पे है, तो इसका है मॉन्टगोमरी, मॉन्टगोमरी। दुधारू नस्ल आपकी चार हैं, साहिवाल, सिंधी, गिरदेवनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेशाना जो है ये आपकी भैंस की नस्ल है, ये है शहरों में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है, शहरों में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल। तो शहरों में कौन सी बकरी पाली जाती है, बर्बरी। जो बर्बरी बकरी है वो आपकी शहरों में पाली जाने वाली बकरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ये है आपका निम्न में वायरस जनित रोग नहीं है, इनमें से वायरस जनित रोग नहीं है। तो वायरस जनित रोग कौन सा नहीं है, ये आपका जो FMD है ये वायरस से होता है, लेंडर पेस्ट ये भी वायरस से होता है, ल्यूकोसिस ये भी वायरस से होता है, और ये ब्रुसेलोसिस ये किससे होता है, तो ये आपका होता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से। तो इसमें ये पूछा गया है वायरस जनित रोग कौन सा नहीं है, तो ब्रुसेलोसिस, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है भेड़ में बधियाकृत नर को क्या कहते हैं, भेड़ में बधियाकृत नर को क्या कहते हैं। आप लोग आंसर करते रहिए, जो क्वेश्चन पता है और जो क्वेश्चन नहीं पता है उनको आप लोग तैयार करते रहिए, कहीं पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए। ये है आपका भेड़ में बधियाकृत नर को क्या कहते हैं, तो भेड़ में बधियाकृत नर को ब्रीडर बोलते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका निम्न में किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा फैट जो होती है वो भेड़ के दूध में होती है, जो अपने कोर्स में है उनमें से पूछा जाता है। तो अपने कोर्स में यही है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, यही है, तो इनमें सबसे ज़्यादा फैट होता है भेड़ के दूध में, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है पनीर में फैट परसेंटेज कितना होता है, पनीर जो होता है आप लोग खाते होंगे तो उसमें फैट कितना होता है, तो इसमें फैट होता है 25%, पनीर में फैट होता है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग तैयार करते रहिए। ये है आपका टोंड मिल्क में फैट परसेंटेज कितना होता है, टोंड मिल्क में फैट परसेंटेज कितना होता है, टोंड मिल्क में फैट परसेंटेज होता है 3%, टोंड मिल्क में 3% फैट होता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। तो इसमें उतने ही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, डेली 60 क्वेश्चन की PDF है, तो इसमें वैसे ही क्वेश्चन रखे गए हैं जैसे आपके UP GATE एग्जाम में पूछे जाते हैं। UP GATE में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब्जेक्ट वाइज रखे गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये डेली के क्वेश्चन अब ख़त्म होते हैं, आगे के क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये है अम्लीय, अत्यधिक अम्ल सहनशील फसल कौन सी है, अत्यधिक अम्ल सहनशील फसल कौन सी है, तो सबसे अधिक अम्ल सहनशील फसल है आपकी राई, कौन सी है, राई, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अम्लीय भूमि का pH मान होता है, अम्लीय भूमि का pH मान, तो इसका तो सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार, सब लोग आंसर करिए जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, संख्या बहुत कम दिख रही है तो आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करिए, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, क्लास को शेयर कर दिया करिए, क्लास को शेयर कर दिया करिए, जिससे जो और भी साथी पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकें। और आप लोग अगर क्लास को शेयर करोगे, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा, और जितनी संख्या कम होगी तो हम कम संख्या होती है तो हम ये सोचते हैं हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत कम लोग देखने आ रहे हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं क्या, किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही है क्या, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए ये क्लासेज जो चल रही हैं ये आप लोगों को कैसी लग रही हैं, सभी लोग कमेंट करिए एक बार। चलिए तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं,
ये है आपका अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है। अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय भूमि जो होगी उसका पीएच मान 7 से कम होगा। मैंने कल आपको पीएच स्केल बताया था, पीएच स्केल में 0 से 14 तक होता है, 0 से 14, और जब 7 होता है वो न्यूट्रल होता है 7 पे। तो 7 से अगर इस साइड जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और 7 से इस साइड जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। 7 से 14 की तरफ चढ़ेंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो सबसे अधिक एसिडिक सॉइल कौन सी होगी, तो ये होगी आपकी 7 से कम वाली। अम्लीय भूमि का पीएच मान 7 से कम होगा। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है निम्न में बहुवर्षीय सब्जी है, बहुवर्षीय सब्जी, बहुवर्षीय को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिनियल, पेरिनियल। देखो तीन तरह की क्रॉप होती हैं, एक एनुअल होती है, एक बाइनियल होती है, एक पेरिनियल होती है। तो पेरिनियल कैसी सब्जी होती है, पेरिनियल वो क्रॉप्स होती हैं जो 2 साल में तो बाइनियल, जो 2 से अधिक सालों में जिसका जीवन चक्र पूरा होता है, लाइफ साइकिल जिसकी 2 से अधिक सालों में पूरी होती है, वो पेरिनियल क्रॉप्स होती हैं। लाइफ साइकिल क्या होती है, सीड प्रोडक्शन, वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो जाए और उसका सीड प्रोडक्शन भी हो जाए तो वो आपकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, तो ये दोनों पूरी हो जाएं तब क्या होती है, आपकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। और एनुअल क्या होती है, एनुअल आपकी होती है, तो इसमें आप पहले आंसर देख लीजिए बहुवर्षीय सब्जी कौन सी है इसमें, तो ये जो सतावर है, परवल है, रतालू है, ये आपकी सभी बहुवर्षीय सब्जी हैं, इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको इंग्लिश में पेरिनियल बोलते हैं। अब आप लोग एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल के बारे में, पेरिनियल तो समझ गए होंगे, अब एनुअल क्या होता है, एनुअल क्रॉप्स वो होती हैं जो अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन में या एक वर्ष में कंप्लीट कर लेती हैं, वो होती हैं आपकी एनुअल्स। लाइफ साइकिल क्या होता है, मैंने आपको बताया, जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो जाए और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी हो जाए, यानी कि सीड हमने बोया है तो सीड से हमें फिर दोबारा से सीड मिल जाए। जैसे गेहूं में होता है आपका, गेहूं कैसी है, गेहूं में होता है आपका, गेहूं बोते हैं तो वो एक ही सीजन के अंदर हमें दोबारा से उसका सीड मिल जाता है, तो वो आपकी कैसी है, वो एनुअल क्रॉप है। और ये सभी जो हैं इसमें एक साल में ये वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, अगले साल वो होगा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगा, तो ये आपकी बहुवर्षीय सब्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बाइनियल क्या होता है, बाइनियल में 2 सीजन या 2 वर्ष में जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, पेरिनियल का 2 से अधिक वर्ष में। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलगोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी से होता है, फूलगोभी में ब्राउनिंग जो डिसऑर्डर है वो किसकी कमी से होता है। एक होता है आपका डिजीज, एक डिसऑर्डर होता है, तो डिजीज और डिसऑर्डर में क्या कोई अंतर जानता है, ये वैसे अभी आपको काम का नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं डिजीज और डिसऑर्डर में क्या अंतर होता है। तो डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर जो एबायोटिक फैक्टर से होता है, एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर से जो डिजीज उत्पन्न होता है उसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो गया, और किसी टेम्परेचर से हो गया, यानी कि जो नॉन लिविंग जो होते हैं उनसे अगर होता है तो आपका होता है डिसऑर्डर, और जो लिविंग से होता है या बायोटिक या लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज उत्पन्न होता है उसको हम डिजीज बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपका फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, ये सब क्या है, ये आपका डिजीज है, इनसे जो होता है वो सब आपका डिजीज होता है। तो चलिए अब ये आपका आंसर आ चुका है। तो फूलगोभी में ब्राउनिंग किस की कमी से होता है, तो फूलगोभी में ब्राउनिंग जो है वो बोरान की कमी से होता है, ब्राउनिंग बोरान की कमी से होता है, इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। और नाइट्रोजन की कमी से कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग डिजीज होता है, फूलगोभी में ही होता है, फूलगोभी में काफ़ी डिसऑर्डर लगते हैं, तो जो बटनिंग डिसऑर्डर होता है वो नाइट्रोजन की कमी से होता है। और एक मॉलिब्डेनम की कमी से भी होता है, मॉलिब्डेनम की कमी से फूलगोभी में कौन सा डिसऑर्डर होता है, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करिए एक बार, मॉलिब्डेनम की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है।
तो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है आपका बेप्टेल, बेप्टेल जो डिसऑर्डर है वो आपका मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये आपका फूलगोभी की मुख्य फसल में बुवाई का समय, फूलगोभी की मुख्य फसल में बुवाई का समय क्या है, कब बुवाई करते हैं, तो सितंबर अक्टूबर है, सितंबर अक्टूबर। आप लोगों को ये तो पता ही होगा, ये फूलगोभी कैसी क्रॉप है, तो फूलगोभी रबी सीजन की क्रॉप है। फूलगोभी कैसी है, रबी सीजन की क्रॉप है। जितनी भी कोल क्रॉप्स हैं आपकी वो सब आपकी रबी सीजन की क्रॉप्स हैं, तो इसका डी ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, निम्न में द्वितीयक पोषक तत्व तो नहीं है, द्वितीयक पोषक तत्व, तो ये हमने आपको पहले ही बताया था, तो सब लोगों का आंसर इसका बिल्कुल सही आना चाहिए। द्वितीयक पोषक तत्व तो कौन सा नहीं है, इसका भी आंसर सही नहीं आता है, तो समझ लीजिए आपका कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसको सुधारिए। इसका आंसर सभी लोगों का बिल्कुल सही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे द्वितीयक पोषक तत्व तो कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो इसमें से द्वितीयक पोषक तत्व तो कौन सा नहीं है, आयरन, डी ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा, ये द्वितीयक पोषक तत्व तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और प्राथमिक पोषक तत्व तो कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। ये है आपका, प्याज में रोपाई हेतु बीज दर है, प्याज में रोपाई हेतु बीज दर, प्याज में रोपाई हेतु बीज दर कितनी होती है, तो रोपाई के लिए प्याज में बीज दर होती है, देखो दो बीज दर होती हैं, खरीफ सीजन और रबी सीजन की अलग अलग होती है। एक होती है 10 से 12 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर, एक होती है 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो होती है वो आपकी होती है खरीफ की, खरीफ की 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपकी होती है रबी की। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे 10 से 12 तो कहीं नहीं मिल रहा है, 12 से 15 इसका सही हो जाएगा। रोपाई हेतु बीज दर जो होती है वो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है पूसा दो मौसमी प्रजाति है, पूसा दो मौसमी किसकी वेराइटी है, तो पूसा दो मौसमी जो है वो करेला की वेराइटी है, करेला की वैरायटी है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूसा मंजरी किसकी किस्म है, पूसा मंजरी किसकी किस्म है, तो पूसा मंजरी किसकी वैरायटी है, ये है आपकी लौकी की, लौकी सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलजम की बीदर, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलजम की बीदर बहुत बार यूपी कैटेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों को ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए कि सलजम की बीज दर क्या होती है, ये होती है 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बहुत बार ये यूपीकैटेट के एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए कि सलजम की बीज दर कितनी होती है, ये होती है 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है शकरकंद की कर्तनों को रोपने का समय, शकरकंद की कर्तनों, शकरकंद में जो प्रोपोगेशन करते हैं या प्रवर्धन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, कर्तनों के द्वारा, तो इसको रोपने का उचित समय क्या होता है, इनको रोपने का उचित समय होता है मई जून, कौन सा उचित समय होता है, मई जून, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है आपका रोमा पार्कर रूपाली वैशाली आदि किस्म है, रोमा पार्कर रूपाली वैशाली आदि ये किसकी वैरायटी है, तो ये आपके टमाटर की वैरायटी है, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है सेब का स्पेसिंग है, सेब की स्पेसिंग मीटर में, तो सेब की स्पेसिंग कितनी होती है, 6x6 मीटर होती है सेब की स्पेसिंग। जो साथी नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं क्लास में आज, तो लोगों को बता दें यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस कराई जा चुकी हैं, तो वो लोग यूपी कैटेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी कैटेट 2022 ऑल क्लासेस इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये सारी क्लासेस डाल दी गई हैं, तो उसमें जाके आप लोग ये सारी क्लासेस के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन कराए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को तैयार होने चाहिए। और जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो लोग पहले तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की, उस पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो आवश्यक सूचनाएं दी जाती हैं वो आप लोगों तक पहुँच सकें। और जो साथी पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जो साथी नए जुड़े हैं उनको बता दें, जो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो 9720802028
9720808020 एक टेलीग्राम नंबर है, तो इस पे आप लोगों को केवल मैसेज करना है, UPGATED PDF 2022 लिखकर मैसेज करना है, तो आप लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा पेड ग्रुप में कैसे ज्वाइन किया जाएगा। उसमें आप लोगों को PDF प्रोवाइड की जाएगी और अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। डेली का PDF आप लोगों को इस पे मिल जाता है। जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन है उन लोगों से पूछ सकते हैं आप लोग। ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इनका PDF वहाँ पे मिल जाता है और अलग से क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। UPGATED 2011 का भी PDF पहुँचा दिया गया था और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी PDF वहाँ पे पहुँचा दिए जाएंगे, पेड ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे उसमें नोट्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी आप लोगों को इस पर दे दिया जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं इस पर। तो जिन लोगों को नहीं पता है कैसे ज्वाइन होना है उस पर, तो वो लोग इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे UPGATED PDF 2022, तो उस पर आप लोगों को प्रोसेस पता चल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और PCM PCV वालों के लिए अलग पेड ग्रुप है और PAG वालों के लिए अलग पेड ग्रुप है। PCM और PCV वालों के लिए फीस कम है, उनको केवल GS दी जाती है और PAG वालों के लिए तो पूरे 200 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, 200 क्वेश्चन का मटेरियल। तो अभी तक 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को PDF के रूप में मिल चुके हैं और अलग से भी काफ़ी क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और PCM और PCV वालों के 20 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन जो GS के पूछे जाते हैं वो सभी के सेम होते हैं, तो 20 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका नींबू में सिट्रस कैंकर का कारक है। आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। ये इसमें है नींबू में सिट्रस कैंकर का कारक है। नींबू में सिट्रस कैंकर किसके कारण होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो जेंथोमोनस कॉम्पेस्टेस इसका साइंटिफिक नेम होता है, वेराइटी सिट्राई होती है। ये है आपका यूरेगोल किसकी किस्म है। यूरेगोल जो है वो बेर की किस्म है। यूरेगोल किसकी वैरायटी है, बेर की वैरायटी है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गेहूं की किस गेरुई को स्टेम रस्ट कहा जाता है। गेहूं में जो गेरुई लगती है, गेरुई को इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं, तो कौन सी गेरुई को स्टेम रस्ट कहा जाता है। तो गेहूं की जो काली गेरुई होती है, ब्लैक रस्ट, काली गेरुई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक रस्ट, तो ब्लैक रस्ट को ही स्टेम रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका साकेत चार किस्म है। साकेत चार, तो ये आपकी धान की वैरायटी है। साकेत चार जो है ये आपकी धान की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल है। सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल है, तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। इसमें आपका चना, चना में कितना प्रोटीन पाया जाता है, चने में 20 से 25 के लगभग प्रोटीन होता है, 20 से 25% के लगभग, और इसमें भी ऐसा ही होता है। और ये जो आपका सोयाबीन है इसमें कितना होता है, तो इसमें 40 से 42% प्रोटीन होता है, 40 से 42% इसमें प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाएगा, सोयाबीन में। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और मक्के में तो 12-13% के लगभग होता है प्रोटीन, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूषा बोल्ड किस्म है। पूषा बोल्ड जो है वो किसकी वैरायटी है। ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करा दिए जाएंगे। तो ये पूषा बोल्ड किसकी किस्म है, पूषा बोल्ड किसकी किस्म है, तो पूषा बोल्ड जो है वो तोरिया की किस्म है। पूषा बोल्ड तोरिया की किस्म है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका तोरिया की बीज दर है। तोरिया की बीज दर है, तो तोरिया की बीज दर कितनी होती है, 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है, 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, तो इसमें कौन सा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो आज के क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे ये जो क्वेश्चन बचे हैं ये आप लोगों को अगले क्लास में करा दिए जाएंगे, तो तभी आप लोगों को इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को अगले क्लास में करा दिए जाएंगे, या तो कल ही करा देंगे, नहीं तो कल साइंस की क्लास चला देंगे, उसके बाद अगले दिन आपके ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप सभी लोगों का लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें।
आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए और बेहतर करने की सोचेंगे। इसलिए आप लोग जितने भी कोचिंग ग्रुप हैं, जितने भी स्कूल ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी आपसे जुड़े हुए साथी, उन सभी लोगों को आप लोग बता दीजिए कि यहाँ पे यूपी कैटेट की तैयारी कराई जा रही है, तो वो लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आप सभी लोग कहीं ना कहीं कोचिंग तो कर रहे होंगे, तो आपकी ये क्लास तो ख़त्म हो गई है, अब थोड़ी अलग बात कर लेते हैं। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन सी कोचिंग में पढ़ते हैं और कितने ऐसे साथी हैं जो कहीं भी कोचिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग कौन कौन सी कोचिंग से पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने नोट्स तो प्रिपेयर किए होंगे कहीं ना कहीं से, या तो हमारे चैनल पे जो थ्योरी क्लासेस चलाई गई थी उनसे प्रिपेयर किए होंगे, नहीं तो कहीं कोचिंग में प्रिपेयर कराए गए होंगे। तो जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनको आप लोग रिवाइज करते रहिए, क्योंकि उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सको उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए नोट्स को, तो आप लोगों को नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे तो आप लोगों का पेपर जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं इनकी भी आप लोग डेली प्रैक्टिस किया करिए, डेली क्लास में आया करिए। अगर क्लास में नहीं आ पाते हैं तो बाद में क्लास को ज़रूर देखा करिए, क्योंकि ये जो आप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये बहुत ही क्रीम क्रीम बिल्कुल आपको दिया जा रहा है, यही समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से तैयार करते रहिए। चलिए अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, और इसका जो PDF है वो आप लोगों को, ये इसके क्वेश्चन जो पूरे हो जाएंगे, अभी 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वो क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे कल के क्लास में, चलिए इसी का करा देंगे, तो कल आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलेंगे आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सभी लोगों को गुड नाइट।